उपायुक्त कार्यालय के गेट पर पड़ोसी के खिलाफ घर का रास्ता बंद करने व जान से मारने की धमकी देने पर प्रशासन के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं किए जाने के खिलाफ बुजुर्ग दंपति धरने पर बैठ गए हैं। हमीरपुर पहुंचे दंपति ने उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक को इसकी शिकायत भी की और न्याय दिलवाने की मांग की। दंपति ने आरोप लगाया है कि पड़ोसी उनकी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और इनकी दुकान का रास्ता व दुकान पर आने वाले ग्राहकों को रोक रहे हैं। जिला मुख्यालय के साथ लगते ब्रह्माणी के एक परिवार ने उनके घर का रास्ता बंद करने व संपत्ति की तोड़फोड़ करने की शिकायत करने के बाद उपायुक्त कार्यालय पर धरना शुरू कर दिया है। बुजुर्ग दंपत्ति का कहना है कि उनका पड़ोसी आए दिन जान से मारने की धमकी देता है, जिस कारण उन्हें घर जाने से डर लग रहा है। पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायत पत्र में बालम राम ने कहा कि उन्होंने 2001 में जमीन खरीदने के बाद 2002 में धरातल पर चार दुकानें व ऊपर रिहायशी मकान बनाकर रहने लगे, मगर 6 सितंबर 2020 को इनकी दुकान के आगे सड़क के साथ लगती जमीन पर पड़ोसी जिससे उन्होंने जमीन खरीदी थी ने गड्ढा करके इनका रास्ता बंद कर दिया और आवाजाही करने पर लड़ाई झगड़ा करते हैं। बालम राम ने बताया कि पड़ोसी के द्वारा घर का रास्ता बंद करने की शिकायत प्रशासन से करने के बाद उनका व उनकी पत्नी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और प्रशासन ने आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है, जिसके कारण उन्होंने पत्नी सहित धरना देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि डर के कारण घर पर भी नहीं जा पा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से जल्द न्याय दिलवाने की मांग की है। नाम बालम राम है, इनका नाम हीरामणि है, ये गढ़वाली है मेरी, और यहाँ ब्रह्मणी गांव है, अणु से थोड़ा आगे वहाँ हमारा घर है। और 2001 में मैंने 2001 में मैंने जमीन खरीदी वहाँ अगस्त 2001 में, और फरवरी 2002 में निशानदेही के बाद मकान बनाया। मकान बनाने के बाद कोई वो नहीं हुआ, कोई किसी किस्म का कुछ नहीं हुआ। 6/9/2020 को अभी रविवार के दिन संडे के दिन में वहाँ जिस भी लाए, वो जो मेरा पड़ोसी है जिससे मैंने जमीन खरीदी है, वो पहले पड़ोस में साइड में चन्ने की तरफ खुदाई कर रहा था, उसके बाद उसने आगे सड़क के साथ मेरी जो दुकानें हैं उनके आगे जो थोड़ी सी मेरा रास्ता था सड़क को उतरने का, चार दुकानें हैं तो उससे उतरने का रास्ता वो जेसीबी से उखाड़ दिया। अच्छा, उखाड़ने के बाद फिर अब जब उखाड़ दिया तो आदमी क्या करता है, शिकायत करता है, प्रशासन के पास जाता है। हाँ, पाइपें उतार दिए, चार पाँच ट्रकों से पाइपें उतार के जो काटा वो चार पाँच ट्रक उनके उसे बंद कर दिया हुआ है। फिर क्या हुआ कि हमने उनके पास गए, SHO के पास गए, SHO के पास गए, फिर उसके बाद SDM को लिखा, फिर सबको मतलब जो अधिकारियों को हमने अपनी शिकायत दी तो कुछ कोई सुनवाई नहीं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अब कल हमने SP साहब से मिले और DC साहब से मिले, DC साहब ने SDM को लिख दिया और SP साहब ने भी SDM को लिख दिया। उसके बाद शाम को हमारे को बड़ी समस्या हुई रहने का, और पहले भी हम जो अपने के रिश्तेदार के पास चल जाते थे रात को, तो क्योंकि वो जब से हमने कंप्लेंट की है वो हमारे को रास्ते में पकड़ लेते हैं ऐसे कि भाई तुमने हमारा नाम क्यों लिखा, है ना, हमारी कंप्लेंट, इसलिए फिर पूछते हैं। फिर जब वो पूछ लेंगे जवाब दिया तो मारने पड़ जाते हैं। कल ये हाँ JCB की थी जिसका कोई नंबर नहीं था उसके ऊपर। और कितने दिनों से घर से बाहर रह रहे हैं अभी आप? जिस दिन से घटना 6/9/20 से। तो अब आज आप क्या कहाँ बैठे हुए हैं, बताओ क्या कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं आप? आज तो बाहर उनको हमने अखबारों में भी छपा है और हमने मेल भी किया था कल शाम को कि हम वो हमारे को बाहर बैठने की इजाज़त दी जाए, वहाँ बैठे हुए। अब जाना भी कहाँ सर? नल के मारी पाइप तोड़ी थी,
जहाँ तोड़ी में उनको जोड़ने की है रही थी, वहाँ मिली नहीं कुछ भी, मैं गिर गई है, मेरा सारा ये जब मैं तो ये कब तक आप बैठे रहेंगे? जब तक वो अब घर लाने जाने लायक घर में हमारा हालात नहीं है, क्योंकि वो मार कुटाई करते हैं, दादागिरी करते हैं, खंड देते हैं, मकान को पत्थर मारे। ये कल घर में कल ही थी, मैं आ गया सुबह, कल गए थे हम, कल सुबह ही गए वहाँ से कहीं से, तो कल वहाँ गए तो वो ये मैंने इसको वहाँ रखा और अपने आप ही यहाँ आ गया नीचे को, तो इसको तोड़ने लगे पत्थर मारे इसको, तो ये बताएगी अब क्या क्या हुआ कल मेरे। शिकायतकर्ता की पत्नी हीरामणि ने बताया कि पिछले कल जब उनके पति प्रशासन से शिकायत करने हमीरपुर गए हुए थे, तब इनके पड़ोसी ने दुकान के शटर को तोड़ने की कोशिश की और अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया। उन्होंने कहा कि डर के कारण घर के अंदर चली गई और पति को सारी सूचना दी। जो कल ये तस्वीरें निकले 7 बजे मैं घर पे थी, वो आए दिन को 12-1 बजे फिर शटर तोड़ा, मैंने सोचा पता नहीं बाहर कौन, मैं सोई दी थी, फिर बाहर निकली तब देखे मैं वही बंदे आए, शटर तोड़ रहे, पत्थर मार रहे, बोले उनको बाहर रख कुत्ते जैसा मारना वाला, बहन दला कुछ वाला, माँ का कुछ और कुछ वक्त जो उनके मुंह में आए, फिर तोड़ने लगे शटर को, तोड़ने लगा, अंदर से बंद थी वो, पिछली साइड से बंद थी, आ नहीं पाई, मैं नहाने थी लगी थी, फिर मैं बाहर नहीं निकल पाई, फिर बाद में निकली मैं, तब वो तोड़ने लगी थी। वही सराकड़ की पंचायत प्रधान दलजीत सिंह का कहना है कि इस दंपति से दूरभाष पर बात करनी चाहिए, लेकिन इनका फोन बंद आ रहा था। प्रधान का कहना है कि घर पर भी इनका इंतजार किया, लेकिन ये घर पर मौजूद नहीं थे। उसके बाद SDM हमीरपुर के माध्यम से इनके हमीरपुर होने की सूचना मिली, जिसके बाद इन्हें घर ले जाया गया और पंचायत द्वारा मामले की आगामी कार्रवाई की जा रही है। ये जो बालकराम जी का केस हुआ है, इनकी एप्लीकेशन मेरे पास आई थी, 8 तारीख को मैंने वो एप्लीकेशन रिसीव की थी। 8 तारीख के बाद मैंने वहाँ पर धर्मासन का गठन किया और वो धर्मासन जो थी वो 12 तारीख को वहाँ पर मौका देखने गए, लेकिन ये घर पर नहीं मिले। फ़ोन द्वारा इनके घर पर भी इनको चेक किया गया और फ़ोन द्वारा भी इनके साथ संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन इनका स्विच ऑफ आता रहा। फिर कल शाम को मेरे को SDM साहब के माध्यम से फ़ोन मिला कि ऐसे ये आए हैं, मैंने उनको बताया कि साहब कोई बात नहीं, मौका पर ये मिल नहीं रहे हैं। आज सुबह 16 तारीख को मैं लगभग 8 बजे के करीब इनके घर गया और मेरे साथ उप प्रधान था और प्रतिवादी पक्ष को भी मैंने वहाँ पर बुलाया था, लेकिन ये फिर भी इनका स्विच ऑफ आ रहा था। लगभग 2.5 घंटे में वहाँ पर रहा, लेकिन इन्होंने फ़ोन को बंद किया हुआ था। बाद में मुझे पता चला SDM के माध्यम से कि वो जो हैं वो कहीं हमीरपुर में चले गए हैं और हमीरपुर में रह रहे हैं, और उसके बाद मेरे को पुलिस का फ़ोन किया कि प्रधान जी आप थाना में आइए, और हितेश जी हैं सब इंस्पेक्टर, उन्होंने फ़ोन किया, मैं वहाँ पर गया था, तो अभी ये यहाँ पर मिले हैं, अभी इनको वापस ले जा रहे हैं और मौके के ऊपर जो है जो भी इनकी बात होगी उसको मैंने निपटाया।